अफसोस तो एक ही बात का है श्रीमंत, आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हे व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज गवर्नमेंट के थ्रू एक ऐसी न्यूज आई है, ऐसी हिला देने वाली न्यूज आई है, इंडिया में पबजी बैन। बेटा मन छोटा ना कर, तू तो बहादुर बेटा है मेरा, चल बेटा। तो इस खबर को मद्देनजर रखते हुए 5 करोड़ इंडियन पबजी यूजर्स की फटके 64 हो रखी है। टू दोस्त जो बोल रहे थे कि पबजी इज अ कोरियन कंपनी, बैन नहीं होगी, जिंदा पकड़ना है भूसड़ी वालों को। और मोदी जी क्या क्या दोगले हो यार आप, आपने अभी बोला गेमिंग इंडस्ट्री को इंडिया में आगे बढ़ाना है, फिर पबजी बैन कर। नहीं मैं आपको समझ नहीं पाया हूं, लड़की से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो आप। तो आज इंडियन पेरेंट्स के लिए सबसे खुशी वाली दिन है, क्योंकि अब से धनिया से लेके पुदीना तक हर कुछ टाइम पे आएगा। टाइम से सोना, टाइम से उठना, क्योंकि पबजी नहीं है। और अगर आप पबजी खेल रहे हो तो घंटा आपकी गर्लफ्रेंड भी नहीं, तो करोगे क्या भैया। ये सारी चीजें जो हो रही है ना, इन सब के पीछे कैरी भैया का हाथ है ना। वो कैरी भैया टिकटॉकर्स की मारता ना, उनकी बददुआएं लगती ना, पबजी बैन होता। अभी अभी तो दुकान जमी थी आप लोगों की, हो गए ना बेरोजगार फिर से। और सबसे खराब तो मुझे उनके लिए लग रहा है जिन्होंने हाल फिलहाल में रॉयल पास खरीदा। पैसा बर्बाद बहनचोद। तो पबजी बैन होने का असल मुद्दा ये था कि आपने मोदी जी के वीडियो पे 3.9 लाख डिसलाइक्स दिए। मित्रों मैं प्रधानमंत्री हूँ, लास्ट टाइम जब मेरी ईगो हर्ट हुई थी डीमोनेटाइजेशन करा दिए थे मित्रों। भाई वो प्रधानमंत्री है और आपको भी पता आप क्या हो, तो पंगे मत लो। अभी भी वक्त है, मौका है, हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, माफी मांग लो। मैं कितना तनहा तनहा लोनली लोनली तेरे बिन। जब टिकटॉक बैन हुई थी तो लोग टकाटक में आ गए थे, अब जब पबजी बैन हो रही है तो काफी सारे लोग फ्री फायर के गांड में घुस जाएंगे। मैंने थोड़ी बहुत पबजी खेल रखी है और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर फ्री फायर जरीन खान है ना तो पबजी कटरीना कैफ है, अगर फ्री फायर बीड़ी है ना तो पबजी मालबोरो है, अगर फ्री फायर गू है ना, फ्री फायर गू ही है। देखो ये ब्रह्मांड भी तुम्हें हिंट देने लगी है। हाँ मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, ये बकचोदिया बंद करो, पबजी को श्रद्धांजलि दो और आगे बढ़ो, मूव ऑन, पढ़ो लिखो कुछ बनो यार, वरना तुम जॉय पैड हिलाते रह जाओगे और जॉय कोई और ले जाएगा। तो यार आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे कोई न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक को लेके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट पे मुझे प्लीज बताओ लड़ो मुझसे, मैं चाहता हूँ डिबेट करूँ। बाबा जी के शो है हाउसफुल, अच्छी फिल्में बैन, मैं हूँ डिज्नी फैन, तू भी डिज्नी फैन, चलो मिलके पोगो देखें, सॉरी शक्तिमान।